हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेरा झुंडे धन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो प्लॉट चाहिए थे वो है 25 फुट बाय 60 फुट, मतलब 1500 स्क्वायर फुट का ये घर है। इस घर को हमने एक तरीके से स्टेप प्लानिंग करी है, जहाँ पे आपको फर्स्ट नीचे जो आपको दिख रहा होगा वो है फ्रंट वरांडा, जहाँ पे हमने पूरा पार्किंग के लिए दे दिया है, या फिर आप फ्रंट लॉन्च की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी 3-4 गाड़ी आराम से पार्क हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं तो ऊपर आपका ये टेरेस गार्डन आ जाता है, बालकनी, आप टेरेस गार्डन या बालकनी आप कुछ भी बोलो, हमने इसमें वर्टिकल गार्डनिंग दी है। सामने फिर हमने इसमें एल्यूमिनियम फेंस का काफ़ी अच्छा यूज़ किया है, जब अंदर चलेंगे तब आपको पता चलेगा। ग्राउंड फ्लोर में आपको हॉल, ओपन किचन, 2 बेडरूम मिल जाता है विथ 1 OTS, और फर्स्ट फ्लोर में आपको कॉमन एरिया, टेरेस गार्डन, बालकनी और 2 बेडरूम आपको मिल जाते हैं, और फिर ऊपर आपका टेरेस है। तो आप एंड तक बने रहिए। इसका जो इंटीरियर है वो भी बहुत मिनिमलिस्ट है, और हमने इसमें मॉडर्न इंटीरियर कॉन्सेप्ट रखा है, और इसका बहुत ही अच्छा हमने इसका इंटीरियर किया है। आपको आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं वीडियो को आगे देखते हैं। घर के अंदर चलते हैं तो ये आपको फ्रंट में 3 गाड़ी का स्पेस आराम से मिलता है, 13 फुट वाइड है ये, और ये मैं आपकी मेन घर की मेन एंट्री है, जहाँ पे फ्रंट में आपको एक एंट्रेंस में फॉयर मिलता है। ये सामने आपका स्टेयरकेस है, और वहाँ पे सामने आपके 2 बेडरूम हैं। आपको मतलब एंट्री करते ही घर का पूरा विजन दिखेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ है, तो ये सबसे बेस्ट है इस घर की एंट्री, इस घर का जो कॉन्सेप्ट, ये सबसे बेस्ट है। ये आपका ड्राइंग एरिया है जो कि 16 फुट बाई 11 फुट है, और वॉल पे POP वर्क है पूरा आपका, जो कि हमने एक बहुत ही वेव में आपका POP दिया हुआ है, बहुत ही एलिगेंट लग रहा है। ये आपका म्यूरल है बो एंड एरो का, और आपको सीलिंग मिलती है, सीलिंग में भी आपका जिप्सम बोर्ड और ये LED लाइट्स लगे हुए हैं। ये आपका TV कैबिनेट है। आगे चलते हैं तो हमने यहाँ पे एक लेवल और एक स्टेप ऊपर करा रखा है, चेंज ऊपर है, और ये आपका ओपन किचन और डाइनिंग है। किचन आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने चेयर्स और इसकी एंट्री और ये जो पार्टीशन दिया हमने डाइनिंग, ड्राइंग और डाइनिंग का, वो सब एक ही कलर में रखा है, सी ग्रीन और फॉरेस्ट ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन लेके। स्टेयरकेस के नीचे हमने एक छोटा सा गार्डनिंग करी है, आप अंदर से बाहर आएंगे अब आपको दिखेगा। ये आपका पूरा OTS वाला एरिया है जी, ये देख सकते हैं आप कितनी प्यारी धूप आ रही है यहाँ से आपको। इसके पीछे आपकी शाफ्ट है जो कि पाइपलाइन के लिए दी गई है, यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन रख सकते हो, किचन है बाजू में इसलिए वो शाफ्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क करेगा यहाँ पे। अब चलते पहले बेडरूम की ओर,
ये गर्ल्स बेडरूम है, तो इस वजह से इसको पूरा पिंक और वाइट, बेबी पिंक और वाइट का थीम दिया है, जिसमें आपके बेड के पीछे लूवर्स और आपको बटरफ्लाई विंग्स के स्टाइल में आपको वो भी एक बहुत सुंदर सा विंग्स मिलता है विद LED स्ट्रिप्स। यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल दी गई है, यहाँ पे आपको फुल हाइट आपको कबर्ड मिलता है। हमारे सारे जितने बेडरूम हैं इस घर के, सबके साथ अटैच वॉशरूम है। ये भी आपको बहुत ही स्पेशियस वॉशरूम मिलता है, 10.5 फुट बाय 6 फुट का। बहुत अच्छी खासी आपको स्टोरेज मिलती है वॉशरूम में। बेड के जो फ्रंट वॉल पे आप जो वर्क देख रहे हैं, ये पूरा आपका POP ही वर्क है, और इसमें आपके मिरर चिप्स लगा दिए। चलते हैं सेकेंड बेडरूम की ओर। तो इस बेडरूम में आप कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, जो कि बहुत ही सूदिंग कलर्स हमने यूज़ करे हैं इस रूम में। यहाँ पे आपको बेड हेड पे भी आपको लूवर्स, POP कवर का वॉलपेपर मिलता है। साइड में आपको, राइट साइड में आपको एक टेबल मिलती है स्टडी टेबल के लिए, फ्लोटिंग टेबल। इसके साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिलता है, और हमारे हर बेडरूम में आपको फुल हाइट कबर्ड्स मिलते हैं। सारे वॉशरूम में आपका ड्राई एरिया, वेट एरिया सब अलग, दोनों चीज़ें अलग अलग करी हैं। स्टोरेज पूरी आपको मिलती है वॉशरूम में। यहाँ पे भी, इस रूम में भी बेड के सामने आपको ये POP वर्क मिलता है। यहाँ पे आपको कबर्ड मिलती है टेबल के साथ, छोटे मोटे स्टोरेज के लिए या बुक्स स्टोर करने के लिए। देखिए, मैं आपको जो बता रही थी, स्टेयरकेस के नीचे आपको छोटी सी खाट दी गई है। एक अलग ही सूदिंग लेवल फील होता है आंखों को जब हम घर के अंदर ही थोड़े प्लांटर्स लगाते हैं। ये 3 फुट वाइड का आपको स्टेयरकेस मिलता है। ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, और यहाँ पे आपको 2 बेडरूम मिलते हैं। आपको बालकनी मिलती है, और आपका एक कॉमन एरिया मिलता है जो कि TV एरिया है। चलते पहले बेडरूम की ओर। तो इस बेडरूम में हमने ब्लैक का कॉम्बिनेशन लिया है, ब्लैक और ग्रे का, जो कि बहुत ही एक अलग ही क्लास का, अलग ही क्लास लेवल की फीलिंग आती है एक ब्लैक हम जब लगाते हैं, जेड ब्लैक। तो इंटीरियर हमने बहुत ही कोशिश करी है कि बहुत ही अच्छा लगे, बहुत ही अच्छे मटेरियल्स यूज़ करें। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो मैं आपको मटेरियल डिटेल बताती हूँ थोड़ा। तो इसमें भी हमने लूवर्स, स्लैंटिंग में लूवर्स लगाए हैं। फ्रंट में आपका पूरा वुडन वर्क है, जो भी आपका ये ड्रेसिंग टेबल है। ये कॉपर स्ट्रिप जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा PVD कोटिंग है। फुल हाइट कवर्ड है आपकी, और यहाँ पे अभी आपको अटैच वॉशरूम मिलता है।
बेड के फ्रंट में भी वही पीओपी वर्क है पूरा, जिसमें ग्रूव्स बना दिए और ब्लैक पेंट कर दिया है, और साथ में जो आप ये कॉपर के, ये जो आपको गोल्डन टच दिख रहा है, ये पूरे कॉपर स्ट्रिप्स हैं जो कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव आते हैं, बहुत सस्ते आते हैं, आराम से आप इसको कहीं भी किसी ग्रूव में लगा सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। अब चलते हैं हम अपने लास्ट बेडरूम की ओर। यहाँ पे भी आपको फुल सीलिंग हाइट पे कबर्ड मिलता है। बेड हेड पे आपको लूवर्स और बहुत ही अच्छा ये टाइल वर्क मिलता है। ये चेक शेप में टाइल्स आजकल बहुत नई आई है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया। अटैच वॉशरूम है इसमें भी आपका, आप देख सकते हो कितना स्पेशियस वॉशरूम है। इसमें आपको स्टोरेज भी पूरा अच्छा मिलता है वॉशरूम में, आपका ड्राई एरिया वेटेरिया सब अलग है। अच्छा, यहाँ पे भी आपको ये कबर्ड्स मिलते हैं जिसमें ये आर्ट शेप में मैंने बनाया है यहाँ पे, और आपको ये स्टडी टेबल मिलती है छोटी सी फ्लोटिंग में। अब चलते हैं ये कॉमन एरिया मतलब टीवी एरिया की ओर, जो कि इस पर भी टीवी के पीछे जितना भी आप वर्क देख रहे हैं सारा पीओपी वर्क है, जिसमें थोड़ा कलर्स के साथ मैंने इसमें आर्टिस्टिक वर्क थोड़े करने की कोशिश की। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। ये आपका पूरा पूरा ओपन है, मतलब ये वॉल ही नहीं है, बीच में बस आपका एक कॉलम पड़ता है, और यहाँ पे आपको मैश मिलती है विथ ग्लासेस। तो मतलब जैसे अगर आप ग्लास, यहाँ पे स्लाइडिंग डोर है, आप ग्लास खोल सकते हो, आपको वेंटिलेशन चाहिए तो आपके मॉस्किटोज़ वगैरह नहीं आएंगे, इसलिए आपको मैश प्रोवाइड किया है जो कि एल्यूमिनियम फेंस में ही अटैच है। यह आपका कॉमन बालकनी एरिया आ जाता है, इसमें हमने गार्डनिंग करी है, इसमें वर्टिकल गार्डनिंग करी है बेसिकली। देख सकते हैं इसमें जो आपको ये वॉल पे जो टाइल दिख रही है कॉफ़ी शेप में, कॉफ़ी कलर में सॉरी, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी टाइल्स, मुझे मतलब ये कलर बहुत अच्छा लगा, इस वुड के साथ बहुत ही अच्छा मैच हो रहा था, तो मैंने ये कॉफ़ी कलर में आपको टाइल्स प्रोवाइड करी है। और ये आपकी वर्टिकल गार्डनिंग है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है लेटर शेप में। अब चलते हैं अपने टेरेस की ओर। आपको पूरा बहुत बड़ा टेरेस मिलता है। आपको मैंने सारी टाइल्स डिटेल बताई हैं, मटेरियल डिटेल बताया है, आपको जो भी अच्छा लगा हो या फिर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मैसेज, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आपको अगर दूसरी डिज़ाइन प्लॉट साइज़ का चाहिए हो तो आप वो भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम वीडियो के एंड पे आ गए हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।